देश में महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? ये सवाल सभी के मन में। दर दर भटक रही पीड़िता, सुनने वाला कोई नहीं। लखीमपुर खीरी में महिलाओं के साथ दिन पर दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। घटनाओं को देखते हुए जिले की महिला एसपी भले ही सतर्क हों, लेकिन फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां छेड़खानी से परेशान युवती ने गांव के ही एक युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आए दिन उसको परेशान किया जाता है। हमारे गांव में एक सूरज लड़का रहता है, हमारे बहुत छेड़खानी हमारे साथ भी करता है। उसके बाद हम लड़कों को जा रहे थे तो हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश किया, तो हम घर आए तो अपनी मम्मी से कहा, फिर बहुत परेशान हमको करता है और कहता है कि जान से माल डालेंगे। इसकी शिकायत हम निघासन थाने में की थी, एक एप्लीकेशन लगाया था, तो वही हमारी 10 दिन हो गए, कोई हमारी सुनवाई भी नहीं किया। अब वो सब उसके सूरज जो है उसके घर के सब धमकी दे रहे हैं, कहते हैं कि जान से माल डालेंगे तुमको और तुम्हारे मम्मी पापा को माल डालेंगे, तुम्हारे घर वालों को माल डालेंगे, तुम्हारे परिवार को भी मारेंगे, हमारा को तुम कुछ कर कहाँ पाओगे। युवती ने अपने परिजनों को बताते हुए निघासन कोतवाली में शिकायत की, लेकिन 10 दिन बीत गए, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। साथ ही पुलिस ने शिकायत पर बौखलाया युवक पीड़िता और उसके परिजनों को लगातार धमकियां दे रहा है। पीड़िता और उसके परिजन न्याय के लिए कोतवाली के चक्कर काट रहे हैं। हमारी लड़की से गलत करता है, छेड़खानी करता है, जब हमारी लड़की हमसे कहता है तो हमको मारो के कोशिश करता है। हम निघासन में कार्रवाई करें, हमारी कार्रवाई कोई सुनी नहीं गई, और ऊपर से वो हमका मारे का कोशिश करता है। हुई गए हैं 10 दिन, कोई कार्रवाई हमारी नहीं सुनी जाती। हम निघासन से हमका भगाए दी ना। किसने भगा दिया? निघासन पुलिस वाले हमका भगाए दी ना। पुलिस वालों ने भगा दिया? हाँ, हम जैसे कहे लेने कि उसके बाप नहीं है, उसकी माँ है, उसके दाऊ हैं और चाचा हैं, वही लोग सब लड़े पड़ता उस साथ, हमका मारे पर तैयार हैं, तो उनको पकड़ को लाओ, तो वही हमका भगाए दी ना। न्याय और सुरक्षा के लिए दर दर भटक रही पीड़िता और उसकी माँ, लेकिन उनकी सुने कौन, क्योंकि प्रशासन मौन है। देश में हो रही ऐसी वारदातों का कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार होता है। अगर वक्त रहते पीड़ितों की आवाज प्रशासन सुन ले तो शायद घटनाएं थोड़ी कम हो जाए। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट।